Hello, my dear children. How are you? Today, once again, I am here with you with Moral Science, Heart and Mind book, and uh, chapter 9. Chapter 9, that is Nobody is Perfect. So, in this chapter, the values taught that is about criticism. You know what is criticism? Criticism is to, uh, criticism is speaking ill of others no speaking bad things about others sometimes uh, uh, you also do criticism directly or indirectly let me tell you suppose my dear children you are going outside and you are playing uh, you are standing with some of your friends and uh, suddenly you started talking about someone who is not there in that group that time now uh, maybe uh, is any girl or uh, maybe uh, any girl or any boy you are talking about that uh, person and uh, if you are talking something like uh, uh, you know uh, ria is not Rhea is not good girl she is very clever she never uh, share her things with us and uh, we will not talk to her okay so something like this that is criticism ओके okay? अगर कोई आपका फ्रेंड वहाँ पे नहीं है और आप उसके बारे में अपने दूसरे फ्रेंड से बैड uh, थिंग्स बोलोगे उसके बारे में गलत गलत बातें बोलोगे तो दैट इज़ क्रिटिसिज्म ओके सो इन दिस चैप्टर इट इज़ एलाबरेटेड वॉट इज़ क्रिटिसिजम एंड एज़ यू ऑल नो दैट वी ऑल हैव सम वीकनेसेस ओके नो बडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं बट We should all overcome those weaknesses. Okay? We should improve ourselves. We should correct ourselves where we are wrong. Okay? agar आपको कोई आपके parents या आपके teachers सामने से आपको बोलते हैं कि बेटा आ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. This is very bad. So that is not criticism. दैट इज नॉट क्रिटिसिज्म क्यों क्योंकि वह आपको सामने से बोल रहे हैं डायरेक्टली बोल रहे हैं आपको ठीक है तो क्रिटिसिज्म होता है वो जब आप किसी के बारे में बोलते हो अगर वो वहां पर नहीं होता है तब ठीक है दैट इज क्रिटिसिज्म सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर एंड होप यू ऑल विल लाइक दिस चैप्टर ओके वेन आई विल रीड यू प्लीज पुट योर फिंगर्स ऑन द वर्ड्स एंड ट्राई टू रीड आफ्टर मी ओके

आप हमेशा किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां निकालते हो फॉल्ट फाइंडिंग ओके यू शुड नॉट ऑलवेज क्रिटिसाइज पीपल इट इज़ वेरी बैड हैबिट यू शुड लर्न टू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर हमें अपने फ्रेंड्स को अपने आसपास के लोगों को ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे कि वो हैं ठीक है हमें उनके अंदर कमियां नहीं निकालनी चाहिए Nobody is perfect in this world, as I told you right now. Now, not even you. We all have many weaknesses. andar, sabke under, kuch, na kuch weaknesses hoti hai. Okay? However, sometimes family members, teachers, friends, etc. tell us about our weaknesses.

ओके okay? अगर आपके अंदर कोई कमी है कोई वीकनेसेस है और वो आपको पेरेंट्स बता रहे हैं या आपके कोई और एल्डर बता रहे हैं आपको या आपके टीचर्स बता रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड आपको गाइड कर रहा है तो दैट मीन्स दैट डजेंट मीन्स कि दिस इज़ क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म इज आप उसके बारे में बोल रहे हो जो आपके पास नहीं है दैट इज़ क्रिटिसिज्म ओके अगर आपको डायरेक्टली कोई कह रहा है कि बेटा आपने देखो ये गलत किया है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है आपने चोरी की है आपको चोरी नहीं करनी चाहिए सो दिस इज नॉट क्रिटिसिजम ओके दे एक्चुअली वॉन्ट यू टू डू द गुड थिंग्स टू करेक्ट योर सेल्फ ओके सो दैट डजेंट मीन की दे क्रिटिसाइज यू राइट सो लेट स्टार्ट द स्टोरी रीड द फॉलोइंग स्टोरी The poor speech. The story is all about a girl and uh, the poor speech. Speech means to speak something about any topic, about any topic given to you, right? Now, Bubbly was a seven year old rude girl. Rude. Rude means bad mannered, impolite, okay? so the girl's name is bubbly so uh, how was the girl she was little rude okay like थोड़ा सा चिड़चिड़ी थी किसी से ढंग से बात नहीं करना okay bubbly was a seven years old rude girl she always criticized others क्या करती थी वो सबके बारे में बुरा बुरा बोलती थी she often made fun of the weaknesses of her friends जो उसके फ्रेंड्स होते थे उनके अंदर जो भी कमियाँ होती थी वो उनका मजाक बनाती थी ओके शी कंसिडर्ड हर सेल्फ एज परफेक्ट वाइल ऑल अदर्स एज सो वॉट शी थाट शी थाट कि आई एम द राइट वन आई एम द परफेक्ट ओके उसको लगता था कि वो बिल्कुल सही है बाकी सारे बुद्धू हैं वन डे द क्लास टीचर सेट टू हर यू हैव टू डिलीवर अ स्पीच इन द मॉर्निंग असेम्बली ऑन कमिंग मंडे क्या बोला उसकी मैम ने उसकी टीचर ने कि बबली तुम्हें एक स्पीच बोलनी है असेम्बली में यू नो मॉर्निंग असेम्बली वी ऑल्सो हैव मॉर्निंग असेम्बली इन स्कूल ओके एंड वेरी सुन वी विल अगेन हैव आर मॉर्निंग असेम्बली वेल वेन आर स्कूल विल रीओपन यू ऑल आर मिसिंग योर स्कूल ना आई एम ऑल्सो सो वॉट हर टीचर टोल्ड हर टू डू टू डिलीवर अ स्पीच इन द मॉर्निंग असेंबली ओके वेन ऑन कमिंग मंडे सो टीचर ने कहा प्रिपेयर इट दो बबली सेड नो मैम आई कैनॉट डू इट इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर मी बबली ने क्या बोला नहीं नहीं जैसे आप कहते हो ना आपको कोई टीचर आपने आपकी टीचर ने कुछ कहा तो आप भी कभी कभी ऐसे प्रेटेंड करते हो नहीं मैम आई कैन नॉट डू दिस आई कैन नॉट डू दिस सो सेम वे बबली ऑल्सो सेट मैम आस्ट हर टू डू द सेम शी टोल्ड हर नॉट टू मेक एक्सक्यूजेज मैम ने कहा नो no, बबली नो no. तो तुम्हें कोई बहाने नहीं बनाने यू हैव टू डू दिस यू हैव टू प्रिपेयर द स्पीच ओके

एंड रिहर्स्ड इट उसने क्या किया स्पीच uh, इधर uh, कहीं कहीं से uh, अलग अलग जगहों से उसने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह लिखी उसने और उसे लर्न किया एंड रिहर्सड इट रिहर्स्ड मीन प्रैक्टिस ओके जब भी आप असेंबली करने के लिए आपको कुछ मैटर दिया जाता है यू ऑल्सो रिहर्स ना यू ऑल्सो प्रैक्टिस इट वेल मैम आपको प्रैक्टिस कराती हैं आप घर में भी प्रैक्टिस करते हो तो दैट इज रिहर्स्ड ओके शी वर्कड हार्ड शी वर्कड हार्ड ओ फाइनली बबली स्टार्टेड डिलीवरिंग हर स्पीच अब मंडे को मंडे आ गया अब मंडे को बबली ने स्पीच दी शी इज स्टैंडिंग देखो शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माइक एंड शी इज स्पीकिंग समथिंग नो ड्यूरिंग द स्पीच शी नोटिस दैट पीपल वर नॉट लाइकिंग द स्पीच उसको क्या लगा कि कोई भी उसकी स्पीच को पसंद नहीं कर रहा है आफ्टर द स्पीच देर वॉज ऑलमोस्ट नो क्लैपिंग उसकी जब स्पीच फिनिश हुई तो किसी ने भी क्लैपिंग नहीं कही क्लैपिंग नहीं करी वाई बिकॉज दे मे बी दे डोंट लाइक ना दे डेंट लाइक हर स्पीच बिसाइड्स दिस एवरीबडी क्रिटिसाइज्ड हर स्पीच अब क्लैपिंग तो किसी ने की नहीं बल्कि सब ने क्या किया उसकी स्पीच को क्रिटिसाइज करने लगे सम सेड इट वॉज टू लेंदी बबली वॉज स्पीकिंग वेरी फास्ट एंड हर प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो वॉज नॉट क्लियर तो क्या क्या बोला लोगों ने किसी ने बोला कि बहुत लंबी स्पीच थी लेंदी मीन्स बहुत लॉन्ग इट वॉज सो लॉन्ग किसी ने बोला नो नो ही वॉज स्पीकिंग शी वॉज स्पीकिंग वेरी फास्ट अगर आपको कोई स्पीच कभी देने के लिए टीचर बोलते हैं तो आपको जो भी स्पीच देते हैं ना उसको बहुत आराम से प्यार से क्लियर करके बोलना चाहिए अगर आप बहुत फास्ट फास्ट बोलोगे तो इट लुक लाइक आप पढ़ रहे हो कुछ चीज ओके सो इट डजेंट लुक नाइस एंड हर प्रोनन्शिएशन वॉज ऑल्सो नॉट क्लियर कोई भी वर्ड वो क्लियर नहीं बोल रही थी सम स्टूडेंट्स इवन लाफ्ट एट हर For delivering a very bad speech, which students, to uske upar bhi the. Why? Because they are uh, they thought ki oh such a bad speech it was. So was it all good? No, it was all not good. Children were not doing good things. No, they all were criticizing her. <clears throat> Bubbly cried a lot.

यू ऑलवेज़ फाइंड फॉल्ट इन अदर्स देखो बबली तुम हमेशा दूसरे बच्चों में कमियाँ निकालती हो नाओ यू मस्ट हैव रियलाइज अब तुम्हें रियलाइज़ हो रहा होगा हाउ मनी फॉल्ट्स यू हैव कि तुम्हारे अंदर भी कितनी कमियाँ हैं डोंट ट्राई इम्प्रूव योर सेल्फ यू आर नॉट अ बैड गर्ल आई नो यू विल चेंज योअर सेल्फ उसकी टीचर ने उसे समझाया कि रो नहीं डोंट क्राई अपने आप को सुधारो इम्प्रूव योर सेल्फ यू आर नॉट अ बैड गर्ल आई नो यू विल चेंज योर सेल्फ और तुम तुम अपने अब अप, तुम अपने आप को चेंज करो ओके okay? मुझे पता है आई नो यू विल यू कैन चेंज योर सेल्फ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ उसकी माम ने उसको बूस्ट अप किया समझाया बबली रियलाइज हर मिस्टेक एंड डिसाइडेड टू चेंज हर सेल्फ तब पब्लिक को रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर तो बहुत सारी गलतियाँ हैं बहुत सारी वीकनेसेस है और मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है सो चिल्ड्रन यू शूड ऑल्सो इम्प्रूव योर सेल्फ बिफोर फाइडिंग फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स गट इट अंडरस्टूड एवरी वन आपको भी सबको अपने अंदर की कमियों को ढूंढना चाहिए अपने अंदर जो भी वीकनेसेस हैं उनको देखो और उनको ओवरकम करो उनको इम्प्रूव करो अपने अंदर जो भी गलतियाँ हैं उन्हें सुधारो उन्हें दूर करो ठीक है और अपने आप को चेंज करो एंड बी अ गुड चाइल्ड बी अ गुड सिटीजन ओके पॉन्डर एंड प्रैक्टिस क्रिटिसाइजिंग पीपल इज़ वेरी ईजी बट डूइंग समथिंग परफेक्टली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट हमें दूसरों के बारे में बुरा बुरा बोलना इट इज़ वेरी इजी फॉर अस बट समथिंग डूइंग समथिंग परफेक्टली बट किसी चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट वे में करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सो नेवर डिस्करेज और क्रिटिसाइज पीपल ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड्स ऑफ दियोर वर्क इनकरेज दैम ऑल्सो ट्राई टू ओवरकम योर ओन वीकनेसेस गॉट इट चिल्ड्रन आई होप एवरीबडी लाइक्स द स्टोरी सबको स्टोरी अच्छी लगी ना चलो नाउ वट यू हैव टू डू चिल्ड्रन यू हैव टू टर्न द पेज एंड यू प्लीज राइट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस ऑफ दिस चैप्टर दीज आर द क्वेश्चन आई एम रीडिंग क्वेश्चन वॉट डू यू मीन बाय क्रिटिसिजम वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिसिजम हेयर आई आई हैव रिटन द आंसर criticism means speaking ill of others criticism means speaking ill of others i will send it on sofos also okay you can see the video also and i'll send the question answers on sofos should you always criticize people why no we should not criticize people because it is a very bad habit वर्ड शुड यू लर्न क्या सीखा आपने इस चैप्टर से नवर डिस्करेज और क्रिटिसाइज पीपल आई यू परफेक्ट गेव रीजन नो वी आर नॉट परफेक्ट बिकज वी टू हैव सम वीकनेसेस वॉज पब्ली स्पीच गुड वाई नो आंसर इज नो इट वॉज नॉट गुड बिकॉज It was so lengthy and she spoke very fast. So, these were the question answers. I uh, read them right now. Okay, I'll send you on Sophos also and you can write in your book. Prepare this chapter also for your final exam. Okay, chapter 9 Nobody is Perfect. Okay, this page also. Here. Uh, what will you do in the following situation here are uh, some situations given you will read them and which situation is correct you uh, uh, what can you do in the given situation you can mark the sentences okay like this so this was the chapter which you have to complete okay read this story once again as i read Okay, once again, you read the story. Try to understand the story. Try to uh, know the values of this story. Okay. Okay, children. So, um, uh, that was the story I explained right now. I hope everybody liked the story. See you. Bye bye.